अभी एक फिल्म आई ट्वेल्थ फेल, अमूमन शायद जो फिल्म ज़्यादा देखता है वो शायद चरित्र या अभिनेता को पहचान पाए, और बड़ी बेसिक फिल्म है, समाज से बिल्कुल गरीब के घर से उठी हुई वो फिल्म थी, उसको लेकर क्या कहेंगे? और क्योंकि हाल में मैंने भी देखी और मैं जानना चाहता हूँ कि अजीत राय जी के चश्मे से उस फिल्म को किस तरह देखा गया होगा। देखिए, वो एक कमर्शियल बॉलीवुड फिल्म है, वो कोई आर्ट सिनेमा नहीं है जी। उसको आप कहानी के रूप में देखिए और मज़े लीजिए, और आप देखिए कि ये उसमें वो इस साल की सर्वश्रेष्ठ फिल्म है, नो डाउट। उसने अच्छा, उसकी मेकिंग बहुत अच्छी है, ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन वो उतना भी वंचित और कमज़ोर आदमी नहीं है उसका नायक। आप ये ध्यान रखिए कि उसकी दादी को पेंशन आती है, इसका मतलब उसके दादा किसी सरकारी नौकरी में थे जी, बिल्कुल। तो गांव में, एक गरीब गांव में जो उसका दादा सरकारी नौकरी में होगा वो भिखारी तो नहीं होगा ना, और उसका पिता भी सरकारी नौकरी में है, तो इतना गरीब भी नहीं है वो, मतलब। और दूसरा, वो ब्राह्मण है जी। वो कोई दलित नहीं है, तो वो सामाजिक रूप से भी समर्थ है। तो इसके परिप्रेक्ष्य में उस फिल्म को देखने की ज़रूरत है। और वो थाने वाला सीन याद कीजिए, जब जाकर वो पकड़ लिया जाता है वो MLA के पंगा लेने के जुर्म में जी, जी। तो वो कहता है कि ला बंदूक, और पुलिस वाला जाने देता है उसको बंदूक लाने। कोई दलित और आदिवासी होता तो पुलिस वाला वहीं उसका एनकाउंटर करके मार देता। उसकी ताकत देखिए, उसकी जातीय संरचना में देखिए। तो ट्वेल्थ फेल एक बहुत ज़रूरी फिल्म है, उसको हर आदमी को देखना चाहिए। जैसे ओ माई गॉड 2 एक जरूरी फिल्म है, उसको हर आदमी को देखना चाहिए। नहीं तो सर, जो ये बेसिक सिनेमा है, जो ज़मीन से उठाया जाता है, लोगों की आम जिंदगी से उठाया जाता है, कहीं ना कहीं मेरा पूछने का तात्पर्य यही था कि जो इश्क प्यार और हाई फाई मूवी, साई फाई मूवी जो इस समय चल रही, साइंस फिक्शन, वो कहीं ना कहीं ज़मीनी चीज़ों को देखना चाहता है, रियल सब्जेक्ट देखना चाहता है, VFX नहीं देखना चाहता है। मतलब कहीं ना कहीं आम आदमी भी ऐसी फिल्मों को खूब प्रोत्साहित करता है। देखिए, सिनेमा एक लोकतांत्रिक विधा है। चीन का जो तानाशाह था माओ त्से तुंग, वो कहा करता था 1000 पुलों को खिलने दो। तानाशाह था लेकिन कहा करता था 1000 पुलों को खिलने। अभी हमारा सिनेमा बचपन में है। आप वर्ल्ड सिनेमा के मुकाबले तुलना करेंगे तो हम 100 साल पीछे हैं। आपको पता है कंबोडिया का सिनेमा कैसा है? नहीं पता। इवन आप पड़ोसी पाकिस्तान के सिनेमा के बारे में नहीं जानते, बांग्लादेश के सिनेमा के बारे में आपको नहीं पता, श्रीलंका के सिनेमा के बारे में नहीं पता। छोटे छोटे देश जिस तरह की उम्दा फिल्में बना रहे हैं। अभी पाकिस्तान की जॉयलैंड फिल्म कान में पुरस्कृत हुई थी और ऑस्कर में रिप्रेजेंट किया था। तो यहाँ एक बहुलतावाद को हमें मानना होगा। तरह तरह का सिनेमा बनने दीजिए और आप चुन लीजिए आपको क्या पसंद है। आप एक यदि कानून बनाएंगे, इंदिरा गांधी ने कहा था जब उनसे पूछा गया कि देश की कोई कल्चरल नीति क्यों नहीं है, सांस्कृतिक नीति, तो उन्होंने कहा कि देश की सांस्कृतिक नीति नहीं हो सकती, वो बहुलतावादी है, क्योंकि हम 26 भाषाओं वाले देश में हैं, इतने क्षेत्र हैं, इतने जाति संप्रदाय विविधता, उसमें एकता है। तो 1000 फूलों को खिलने दो, 1000 तरह की फिल्में बनने दीजिए और आप चुन लीजिए आपको क्या देखना है। सर, क्योंकि कई छात्र ये हमारी आपके संवाद को देख रहे होंगे, फिल्म समीक्षक बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, और दूसरा, फिल्म समीक्षक एक बेहतर कैरियर बन सकता है कि नहीं? वो बन सकता है, थोड़ा मुश्किल है, लेकिन उसके लिए आपको अंग्रेजी आनी चाहिए पहली चीज़। क्योंकि देखिए, जो आप केवल बॉलीवुड की समीक्षा करते रह जाएंगे तो बॉलीवुड जैसा नरक है, आप भी नरक का जीवन जिएंगे। जितना ताकतवर, जितने ताकतवर घोड़े पर आप सवारी करेंगे उतना ही आपको ऊंचा वो ले जाएगा जी। है ना? तो अब वर्ल्ड सिनेमा में जाने के लिए आपको 3 भाषाओं का फार्मूला समझना होगा। एक तो अंग्रेजी समझनी होगी, क्योंकि उनकी भाषा, वो अंग्रेजी सबटाइटल पढ़ना होगा आपको। दूसरा, आपको अपनी हिंदी समझनी होगी। तीसरा, उनके देश की भाषा को थोड़ा जानने की कोशिश करनी होगी जहाँ की वो फिल्में हैं। तो आप यदि इंटरनेशनल सिनेमा से जुड़ेंगे तो बेशक उसका बड़ा करियर है। चलिए, तो निश्चित तौर पर हमारे साथ रहे अजीत राय सर, जिनके द्वारा साफ तौर पर अपन बेबाक विचार, जो पत्रकारिता से जुड़े हों या फिर अपना कही कि फिल्मन से जुड़ा हो, सीधे साफ तौर में अपना के द्वारा कही दिन गया है। और बड़ी अच्छी बात अपना कहीं कि एक तानाशाह है जो चाइना से है,
और ओके द्वारा यह कहा गया कि फूलों को खिलने दो, हजार फूलों को खिलने दो, तो मतलब ये कौन प्रतिबंध ना हो चाहिए और सिनेमा जितने ही खुली उतने आगे उत्तरोत्तर प्रगति करिए। तो निश्चित तौर पर बहुत बहुत धन्यवाद सर के कि अपना अमूल्य समय हमका दिन, तो ओके खेत बहुत बहुत धन्यवाद।